हेलो स्टूडेंट्स, आई एम योर मैथ्स टीचर स्नेहा मिस। दिस इज योर मेंटल मैथ्स बुक मैथ्स लैडर। चलिए अब हम लोग इसका कंटेंट्स देखते हैं। आपका फर्स्ट चैप्टर है लार्ज नंबर, ठीक है। जैसा कि आप लोगों ने मेन मैथ्स में पढ़ा था फाइव एंड सिक्स डिजिट नंबर्स के बारे में, आपको इसमें भी फाइव एंड सिक्स डिजिट नंबर के बारे में पढ़ना है जो आप मेन बुक में पढ़ चुके हो, ठीक है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, राइट द नंबर नेम्स फॉर द फॉलोइंग नंबर्स। यहाँ पे नंबर नेम्स लिखना था, ठीक है। 6948 मतलब 6948, ठीक है। इसी तरीके से इन सबको भी आपको करना है। नेक्स्ट है आपका, राइट द नंबर्स फॉर द फॉलोइंग नंबर नेम्स। यहाँ नंबर नेम्स के लिए नंबर लिखना था, जहाँ आप देख रहे हो 9000 के प्लेस पे 900 यहाँ है ही नहीं, 100 के लिए कुछ नहीं है तो 0 लिखा गया। और 67 टेंस और वंस को साथ में लिखते हैं 67, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, जिसमें आप देख रहे हो, राइट द प्रीडेसेसर एंड सक्सेसर ऑफ द गिवन नंबर। ये जो नंबर दिया गया है उसका सक्सेसर और प्रीडेसेसर लिखना था आपको। तो आप देखो, जिसमें आपको लास्ट वाले डिजिट से कंपेयरिंग किया जाता है, तो 90 के पहले क्या आता है 89, ठीक है। और 90 के बाद क्या आता है 91, तो 6289, 6290, 6291, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, अरेंज द फॉलोइंग नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर। 4361, 4631, 6143, 6431, ठीक है। इसी तरीके से आपको छोटे से बड़े के रूप में इन सारे नंबर्स को अरेंज करना है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, अरेंज द फॉलोइंग नंबर इन द गिवन प्लेस वैल्यू चार्ट, ठीक है। ये जो आप देख रहे हो ये आपका प्लेस वैल्यू चार्ट है। इसमें आपको यहाँ नंबर्स लिखना है, जैसा कि मैंने यहाँ लिखा है ए नंबर का नंबर लिख के, और जो जिस प्लेस पे था उसको प्लेस डाल के। फोर यहाँ 10,000 के प्लेस पे था, तो इसके आगे कितना नंबर, चार नंबर, 40। 1000 के प्लेस पे 5 था, तीन नंबर, 30, ठीक है। 6 के प्लेस 100 के प्लेस पे था, दो नंबर, 20। 1 टेंस के प्लेस पे एक नंबर, 10। और 8 ओके, आगे कुछ नहीं था इसलिए 8, ठीक है। नेक्स्ट आप देख रहे हो, जिसमें है राइट द नंबर नेम्स फॉर द फॉलोइंग नंबर्स। यहाँ आप देख रहे हो कि ये 5 डिजिट का नंबर है जो आप लोग पढ़ चुके हो। इसमें है वंस, टेंस, 100,000, 10,000, जहाँ 88,346, ठीक है। इसी तरीके से इन दोनों को भी आपको करना है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, जिसमें आपको नंबर नेम्स लिखने हैं, ठीक है। राइट द नंबर नेम्स फॉर द फॉलोइंग 3,72,000, लाख के लिए 3,72,000, और 10,000 के प्लेस पे 600 के प्लेस पे 45, टेंस और वंस के प्लेस पे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, जिसमें आइडेंटिफाई द ऑड नंबर एंड इवन नंबर एंड राइट देम ऑन द ब्लैंक। आपको पता है कि ऑड नंबर वही नंबर होता है जो 2 से डिवाइडेड होता है, तो आप एक एक नंबर को चेक करो। सॉरी, ऑड नंबर वो होता है जो 2 से डिवाइडेड नहीं होता है, तो आप एक एक नंबर को चेक करो और देखो, जो डिवाइडेड नहीं होगा उसको ऑड के ब्लैंक में लिखेंगे, और जो डिवाइडेड होगा उसको इवन के ब्लैंक में लिखेंगे, ठीक है। जिस तरीके से मैंने यहाँ पे लिखा है एक एक नंबर को, उसी तरीके से आपको इन सारे नंबर को चेक करना है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ द अंडरलाइन डिजिट। ये जो अंडरलाइन डिजिट है उनका प्लेस वैल्यू लिखना था, तो ये किस प्लेस पे है, वंस, टेंस, 100,000 के प्लेस पे है ना, तो 9,000, ठीक है। यहाँ पे वंस, टेंस, 100,000, 10,000 और लाख, ये लाख के प्लेस पे 7,00,000, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, फॉर्म द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर यूजिंग द गिवन डिजिट। इन डिजिट्स को यूज करके स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर बनाना था। रिपीट नहीं करना है किसी भी नंबर को। तो आप लोग जैसा देख रहे हैं यहाँ पे, कि यहाँ पे नंबर्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया गया, और यहाँ स्मॉलेस्ट में असेंडिंग ऑर्डर में 9, 8, 6, 5, 3, 2,
1 2 3 5 6 8 9, ठीक है। उसी तरीके से इन सबको भी आपको बनाना है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका जिसमें राइट द सक्सेसर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, इसमें आपको सक्सेसर लिखना था, तो यही काम करना है आपको। 99 के आगे क्या आता है 100, और 100 का 1 कैरी 1 के पास चला जाएगा तो ये 200 हो जाएगा, ठीक है। या 199 में 1 ऐड करने पे 200 होता है, तो 2,72,200, ठीक है। 1 ऐड करना है सक्सेसर के लिए, और यहाँ आपको प्रीडेसेसर लिखना है जिसमें आपको -1 करना है, ठीक है। जैसे 99 के पहले क्या आता है 98, ठीक है। नेक्स्ट है आपका जिसमें काउंट फॉरवर्ड एंड राइट 3 नेक्स्ट नंबर, इसमें आगे की ओर काउंट करना है और 3 नेक्स्ट नंबर लिखना है, तो मतलब 87 के बाद 88 89 90, ठीक है। बाकी सारे नंबर को सेम रखना है, नेक्स्ट नंबर को बढ़ा देना है, क्योंकि काउंटिंग एक एक ही आगे जाता है ना, इसीलिए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इसमें बैकवर्ड करना है, ठीक है। बैकवर्ड में आपको जाना है और 3 प्रीवियस नंबर लिखना है, जो आप देख सकते हो। 10 के पहले क्या था 9, उसके बाद 8, उसके बाद 7, उसी तरीके से आपको यहाँ प्रीवियस वाला नंबर लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका जिसमें आपको साइन देना है, कंपेयर द गिवन नंबर यूजिंग लेस देन और ग्रेटर देन साइन, इसमें आपको साइन लगाना है, जो नंबर बड़ा होगा उसमें उसी साइड साइन लगेगा, ठीक है। यहाँ आप देख रहे हो ये 68,147 है, और यहाँ 1,06,682 है। आप देख रहे हो कि यहाँ 5 डिजिट नंबर है और यहाँ 6 डिजिट नंबर है, तो आपको याद होगा कि मैंने बताया था कि डिजिट में जो नंबर ज़्यादा होता है वो नंबर बड़ा होता है, तो इसलिए साइन इसी साइड। इसी तरीके से आपको कंपेयर करना है, और जिस साइड साइन होगा उस साइड आपको लगाना है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका अरेंज द फॉलोइंग नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर में छोटा से बड़ा, जैसा कि मैंने यहाँ अरेंज किया है 18,607, 68,701, 78,601, 87,160, ठीक है। नेक्स्ट है आपका अरेंज द फॉलोइंग नंबर इन डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब बड़ा से छोटा। यहाँ आप देख रहे हो 6,53,280, 6,23,508, 3,85,260, 3,62,850, ठीक है। नेक्स्ट है आपका लुक एट द अबेकस एंड राइट द फॉलोइंग नंबर्स शोन बाय इट, आल्सो राइट द नंबर नेम। यहाँ पे अबेकस में जितना बिट्स शो किया गया आपको उसी तरीके से नंबर लिखना था, देन इसको राइट इन वर्ड्स में लिखना था, मतलब नंबर नेम लिखना था इसका। यहाँ आप देख रहे हो यहाँ 3 था, यहाँ 2, यहाँ 5, यहाँ कुछ नहीं था, तो यहाँ 0, यहाँ 6, यहाँ 4। अब हम लोग को नंबर नेम लिखना है जो है 3 लाख के प्लेस पे, तो 3,25,060, 100 के प्लेस पे कुछ नहीं, 64, ठीक है। इसी तरीके से आपको इसको भी करना है, ठीक है। नेक्स्ट आप देख रहे हो यहाँ पे नंबर नेम दिया गया है, इससे आपको नंबर बनाना है और फिर इसको बिट्स बनाना है, ठीक है। जैसे आप देख रहे हो 4,91,610, तो यहाँ आप देख रहे हो कि 4,91,610, तो 4 लाख के प्लेस पे 4, 10,000 के प्लेस पे 9,000 के प्लेस पे 1, 100 के प्लेस पे 6, और 10s के प्लेस पे 1, और 1s के प्लेस पे 0, ठीक है। इसी तरीके से आपको इसको भी नंबर को लिख के बिट्स बनाना है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका काउंट बाय टेंस एंड राइट द नेक्स्ट 3 नंबर, इसमें 10 काउंट करना है और 3 नंबर लिखना है आगे का, तो आपको करना क्या है यहाँ 1s, 10s, 10s के प्लेस को बढ़ाना है, जैसा कि यहाँ किया गया है 89, यहाँ आप देख रहे हो 79 था, यहाँ 89 हो गया, 99 हो गया, और यहाँ 109 होता जिसका 1 कैरी 4 के पास चला गया, ठीक है, जो 5 बन गया, ठीक है। नेक्स्ट में आपको 100 करना था, तो जैसा आप देख रहे हो यहाँ पे मैंने 100 के प्लेस का नंबर बढ़ाया है, ठीक है। नेक्स्ट में 1000 काउंट करके आपको नंबर को लिखना था, ठीक है। तो
तो हम लोग फिर से थाउजेंड के प्लेस का नंबर बढ़ाएंगे, वंस टेन हंड्रेड थाउजेंड। ये आप देख रहे हो कि थाउजेंड के प्लेस का नंबर बढ़ा हुआ है, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका टेन थाउजेंड, जिसमें आपको टेन थाउजेंड, वंस टेन हंड्रेड थाउजेंड और टेन थाउजेंड, तो सेवन को बढ़ाना है, एट नाइन टेन, ठीक है। अब यहाँ नेक्स्ट लाख बढ़ाना है आपको, जिसमें लाख के प्लेस को बढ़ाइएगा आप, वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड और लाख, तो टू को बढ़ाइएगा, थ्री, यहाँ देख रहे हो आप, थ्री फोर फाइव, ठीक है। नेक्स्ट आप देख रहे हो जिसमें आपको लुक एट द गिवन नंबर केयरफुली एंड फिल इन द ब्लैंक्स, यहाँ पे आपको ध्यान से नंबर्स को फिल करना है जो आप देख रहे हो। द डिजिट इन लाख प्लेस, लाख प्लेस पे कौन सा नंबर है काउंट करना है आपको, वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड लाख, लाख पे क्या है सिक्स, तो सिक्स लिखोगे। द डिजिट इन द हंड्रेड, हंड्रेड प्लेस, वंस टेंस हंड्रेड, हंड्रेड पे क्या है फोर, तो फोर लिखना है यहाँ। द डिजिट इन द टेन थाउजेंड प्लेस, वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड, टेन थाउजेंड पे क्या है सेवन, उसी तरीके से इसको भी करना है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका जिसमें यहाँ नंबर बनाना है आपको, ठीक है, वो आप कैसे बनाओगे, जैसे देख रहे हो आप, द डिजिट इन द वंस एंड लाख प्लेस इज सेवन, यहाँ वंस और सेवन के प्लेस पे, वंस और लाख के प्लेस पे क्या है सेवन है, ठीक है। द डिजिट इन द थाउजेंड प्लेस एंड टेंस प्लेस इज जीरो, टेन थाउजेंड और जीरो, टेंस के प्लेस पे क्या होगा जीरो होगा, ठीक है। और द डिजिट इन द थाउजेंड प्लेस इज सिक्स, और जो थाउजेंड के प्लेस पे है वो क्या होगा सिक्स, और हंड्रेड के प्लेस पे क्या होगा टू, इसी तरीके से इसको भी करना है आपको। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बाकी सारे क्वेश्चंस के बारे में जानेंगे, ठीक है। थैंक यू।